हेलो साथियों, प्रभात बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षाओं के क्रम में आज हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। जो लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है, हम सभी लिविंग थिंग्स की विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके पिछली कई कक्षाओं में, और जो इसका जो अगला टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड की, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म की जो एक सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट होता है स्टडी के पर्पस से, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग समय पर आए और समस्त जीवों को अपने स्टडी के पर्पस से अलग अलग ग्रुप में रखा, उन्होंने वर्गीकृत किया। तो ये वर्गीकरण करने की जो प्रक्रिया है इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी में जो टैक्सोनॉमी टर्म है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है टैक्सिस, इसका मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसा अरेंजमेंट? बड़े सिस्टमेटिक वे में जो हम रखेंगे, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, आपस में एक जीव दूसरे जीव से कैसे समानता रखता है या असमानता रखता है। जो समान है उनको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं कैसे कैसे हम उनको रखेंगे आगे देखते हैं। और दूसरा वर्ड है नोमोस, उसका मतलब है लॉ, ये रूल ये नियम जिसके हिसाब से हम अरेंज करते हैं जीवों को। तो ऐसे कुछ नियम हैं जिनके तहत हम क्या करते हैं, अलग अलग जीव को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। तो ये जो ग्रुपिंग सिस्टम है, ये ग्रुप में रखने की जो समस्या है, जो प्रक्रिया है, इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। जो टैक्सोनॉमी वर्ड है सबसे पहले दिया था एपी डे कंडोले ने। जो टैक्सोनॉमी वर्ड है, टर्म जो है टैक्सोनॉमी, ये दिया था एपी डे कंडोले ने। और ये जो टर्म दिया था एपी डे कंडोले ने, उनकी पुस्तक है थ्योरी एलिमेंटरी द ला बॉटनिक, यानी कि थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इस बुक में उन्होंने ये शब्द टैक्सोनॉमी दिया था। चलिए जो टैक्सोनॉमी है इसमें हम तीन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। टैक्सोनॉमी जो है वो खाली टैक्सोनॉमी है, लेकिन टैक्सोनॉमी हम किस किस का किस तरीके से हम जो है अध्ययन करते हैं, क्या मिलाकर जो है टैक्सोनॉमी बनता है। इसमें सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन। दूसरा होता है नोमनक्लेचर, दूसरा होता है नोमनक्लेचर, और तीसरा होता है क्या होता है, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। भाई हमें कोई जीव है, सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई जीव है, हमें उसको टैक्सोनॉमी के हिसाब से अरेंज करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई अचानक से हमें कोई एक अजनबी चीज मिल गई और हमने देखा वो लिविंग है, हमारे पास हमने पहले स्टडी कर लिया है कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, वो पौधा है कि वो जंतु है, उसमें भी हम डिफरेंस कर सकते हैं, समझे आप लोग। तो हमें पता चल गया कि ये कोई जंतु है या पौधा है, एक अजीब जीव मिल गया, हमने उसको पहले से जानते नहीं थे, एक ऐसा जीव मिल गया। जब ऐसा जीव मिल गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी सबसे पहले करेंगे उसकी पहचान, क्या करेंगे, पहचान करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि वो जीव हमने ना देखा हो पहले, लेकिन उसके जो
समानता रखने वाले जीव वो पहले से बहुत सारे हमने देख रखे हों, हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे लिए बिल्कुल ही अलग हो, समझ आप लोग, ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे लिए बिल्कुल ही अलग हो, तो हमें सबसे पहले उसकी करनी पड़ेगी पहचान, ठीक है। तो जो हम पहचान करेंगे तो किससे करेंगे, जो पहले से जो ज्ञात जीव है उनसे हम उसकी अलग पहचान कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसका, उसके बाद फिर हम उसका क्या करेंगे, नाम देंगे। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, नेमिंग। तो नेम, नाम देने के लिए जो इंटरनेशनल यूनियन जो होती है उसके कुछ नियम होते हैं, जो बायोलॉजिकल साइंस है, चाहे बैक्टीरिया के नाम दें, चाहे हम IUCN या ये जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, या बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, या बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, इनके कुछ नियम होते हैं, उन नियम के तहत हम क्या करते हैं उसका नाम देते हैं, पहले उसकी पहचान करेंगे फिर उसका नाम देंगे, उसकी क्वालिटी के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, उसके करेक्टर के आधार पर, उसके सिम्टम्स के आधार पर, ठीक है, उसकी हम पूरी पूरी स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे उसका नाम देंगे, ठीक है। और नाम देने के बाद तीसरा क्या है, क्लासिफिकेशन। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, इसको हम किसी वर्ग में रखेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है, ए प्रोसेस वाई विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द अदर ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स एंड इज असाइंड टू पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। यानी कि हमने सबसे पहले किसी जीव की पहचान की, पहचान करने के बाद हमने जो नॉन जीव हैं उन जीवों के साथ उसकी कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद हमने पहचान लिया कि ये किस ग्रुप का जंतु हो सकता है, किस ग्रुप से जो समानता ज़्यादा रख रहा है, या किस ग्रुप से ज़्यादा असमानता रख रहा है, जिस ग्रुप से ज़्यादा समानता रखा हम उसके उसके पास ले जाएंगे उसको, ठीक है। हम कहेंगे कि हो सकता है ये इसी ग्रुप का रहा हो, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे उसका नाम देंगे। नाम कैसे देंगे, जो इंटरनेशनल जो नोमेनक्लेचर जो जो हमारी यूनियन है उसके जो नियम है, जो साइंटिफिक नियम है, उन साइंटिफिक नियम के हिसाब से हम क्या करेंगे उसका नाम देंगे, इसको बोलेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से हम उसका नाम दे देंगे, उसके बाद हमने उसकी पहचान भी कर ली और उसका नाम भी दे दिया, उसके बाद फिर हम उसको क्या करेंगे स्पेसिफिक ग्रुप में रख देंगे, विशिष्ट ग्रुप में उसको रख देंगे जिस ग्रुप से वो ज़्यादा समानता रखता होगा, ठीक है। तो यही था हमारा टैक्सोनॉमी। अच्छा, टैक्सोनॉमी के साथ साथ एक चीज़ और भी है, देखो ये जितने भी हम पॉइंट हैं इनकी स्टडी हम करते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि करेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नेसेसरी टू बी यूज्ड, सो यूज ऑफ द करेक्टर फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड करेक्टराइजेशन। देखो हम जब ये तीनों पॉइंटों को कर लेते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं, नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तो ये करते किस हिसाब से हैं, किस बेसिस पर हम ये करते हैं, ऐसा उसके करेक्टर के बेसिस पर करते हैं, उसके लक्षणों के बेसिस पर करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उसके लक्षणों को जानते हैं, उसके जो करेक्टर उनको समझते हैं, तो ये प्रोसीजर जो है उसके लक्षणों को समझने के प्रोसीजर को बोलते हैं करेक्टराइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, करेक्टराइजेशन। भाई बिना करेक्टर के हम कैसे काम करेंगे, ठीक है ना, तो करेक्टराइजेशन हो गया और फिर हम इसका कर देंगे वर्गीकरण, ठीक है। चलिए अब हम टैक्सोनॉमी के बाद एक नई चीज पर आते हैं, नई चीज क्या वो इसमें इसमें और उसमें थोड़ा सा ही फर्क है, बस बहुत स्लाइटली फर्क है, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। देखो जब अभी हमने ये बात बताई थी आपको कि जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सो का मतलब क्या है, अरेंजमेंट, ठीक है, और कैसा अरेंजमेंट, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से नियम के तहत बना हुआ, ठीक है। इसके बाद एक और है सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक्स इसको दिया था कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस है ना, कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो ये जो सिस्टमेटिक्स है ये दिया था कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। इसमें क्या है, The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. तो ये जो systematics है,
एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, उसको क्या नाम है? सिस्टेमा। इसका क्या मतलब है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम कोई भी जीव है, इन सभी जीवों को एक सिस्टमेटिक ढंग से हम अरेंज करते हैं। तो जो लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, उसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जीवों को उनके सिस्टमेटिक ढंग से जो अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक कहलाता है। ये दिया था कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। चलिए अब देखो, जो ये वर्ड जो दिया था सिस्टमेटिक्स, ये जो दिया था टर्म सिस्टमेटिक्स, ये किसमें दिया था? सिस्टेमा नेचुरी बुक है कैरोलस लिनियस की। क्या नाम उस बुक का? सिस्टेमा नेचुरी। तो इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी में ये टर्म दिया था, ठीक है। चलिए एक एक चीज धीरे धीरे हम चलाएंगे पढ़ते हुए, ठीक है। अब देखो, the scope of the systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, classification with the study of the evolutionary relationship between organism. जो जो systematics है उसका जो स्कोप बाद में क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया, enlarged हो गया। क्या हो गया? उसमें हमने identification, nomenclature, classification देखा, ठीक है। और साथ ही साथ हमने सभी जीवों की evolutionary history को भी इसमें include किया, ठीक है। इसके साथ साथ अब जो लेटेस्ट में क्या हुआ, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है, जो सिस्टमेटिक्स है, वो उस लेवल तक जा चुका है कि हम सेल के लेवल पर जाकर जीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सेल के लेवल पर हम जाकर जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, यानी कि कोशिका जो हमारी है, जो हमारी सेल है, तो सेल की जो कैरेक्टर है, सेल कैसी है, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी। केमिकल बेसिस पर हम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। और सेल के लेवल पर सेल की साइज क्या है, सेल में क्रोमोसोम के आधार पर, सेल की जो जो डीएनए की जो इंफॉर्मेशन के आधार पर करेंगे तो उसको बोलेंगे हम साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। चलिए तो टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में हम दो मुख्यतः देखते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो नंबर एक सबसे पहले साइटो टैक्सोनॉमी, यानी कि सेल की जो इंफॉर्मेशन है, सेलुलर लेवल पर इंफॉर्मेशन हम ज्ञात करेंगे। सेल के लेवल पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ज्ञात करेंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम है सेल के नंबर, द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट इन क्लासिफिकेशन और इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर। हैं, सेल की हम कैरेक्टर कैसे देखेंगे? नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। देखो एक बात सुनो, इसमें एक वर्ड आया है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हर जीव की जो कोशिका होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं सारी कोशिकाओं में सेम होते हैं, लेकिन हर जीव में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, एक इसमें टर्म दिया स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब मेरी बात सुनो, देखो क्या होता है, इसमें दो टर्म दिए, एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल दिया है और दूसरा दे रखा है बिहेवियर, है ना। तो देखो, हमारा जो शरीर है, हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले जो सेल, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूरॉन में जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो तो होंगे वही 46 ही, ठीक है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि उसका फंक्शन क्या है? अलग कोशिकाओं से डिफरेंट है। हमारे लीवर की जो कोशिका, उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 46 होंगे, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर वो अलग है। हमारी जो आंत की दीवार है, उसके केंद्रक में जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो 46 होंगे,
लेकिन उसका फंक्शन अलग है, क्योंकि उसका फंक्शन अलग है उसने अपना साइज बढ़ा लिया क्योंकि उसको एब्जॉर्प्शन करना होता ज्यादा, जब ज्यादा सरफेस एरिया होगा ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो उसने अपना साइज बढ़ा दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? हड्डियों की जो कोशिका उसको ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, लिवर की कोशिका उसको हिपेटोसाइट बोलते हैं। समझ लो ना, तो क्या है कि हमारे शरीर में जितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उन सब की स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकती है फंक्शन के आधार पर, ठीक है, उनका टाइप अलग अलग हो सकता है लेकिन उनका फंक्शन के आधार पर बिहेवियर जो है वो क्या है, वो अलग अलग है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हमारी सलाइवरी जो ग्लैंड है उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं का काम क्या है, मेरी बात सुनो, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो टाइलिन एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो सेक्रेट करती हैं, तो उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो अदर किसी सेल में नहीं होती। समझ रहे मेरी बात? जो पेट में जो ऑक्जेंटिक सेल है या पेराइटल सेल है जिनसे एचसीएल सेक्रेट होता है वो और किसी सेल में नहीं हो रहा। हमारे नाक से जो म्यूकस बहता है गोब्लेट सेल से बहता है, मेरी बात सुनो ध्यान से, तो हड्डियों से तो नहीं बहता। तो हर कोशिका का स्ट्रक्चर और प्लस बिहेवियर उनके फंक्शन के हिसाब से अलग अलग है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमारा जो शरीर है इसमें कितनी होती है, 10^14, मैंने जगह पढ़ा था किसी किताब में 10^14 कोशिकाएं जो हैं उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। किससे ऊपर वाले स्टॉप करनी है, पॉज करने के लिए कि बिहेवियर ऑफ द सेल है ना, तो बिहेवियर सेल कैसे करेगी, जो उसका फंक्शन है उसके हिसाब से काम करेगी, मानेंगे नहीं? अब देखो मेरी बात सुनो, बिहेवियर ऑफ द सेल कैसे है, जैसे हमारा लिवर है, एक मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, एक एसेसिनेशन की घटना सुनाता हूँ। एसेसिनेशन मतलब जब पहले, अब तो लोकतंत्र हो गया, अब तो कोर्ट कचहरी के थ्रू सजा दी जाती है, पहले राजा दंड देता था, तो किसी ने यदि झूठा एलिगेशन कर दिया किसी के ऊपर तो राजा के पास वो योग्यता है या नहीं है, लेकिन उसने दंड दे दिया। अहम ब्रह्मस में राजा तो सबसे बड़ा था, तो एक व्यक्ति को दिया गया कि इसका पेट काट के लटका दो इसको, मतलब उसको फांसी नहीं चढ़ाना, उसको पेट काटो और लटका दो उसको। ऐसे उसके जो होते थे नौकर वगैरह, गुलाम जो होते थे, उन्होंने ऐसे किया, पेट काटा और उसको जो पेट से लटका दिया, तो उसका जो लिवर था वो बाहर आ गया पेट से, क्या आ गया, लिवर जो पेट से बाहर आ गया, वो लटक गया। तो कौवे आए उसमें चोंच मारे और थोड़ा सा लिवर का टुकड़ा खाकर भाग जाए। तो एक दिन दो दिन रहा, दो तीन दिन, दो चार दिन ये प्रक्रिया चलती रही, तो उसका जो लिवर था वो दिन में तो कौवे उसको खा जाते थे जितना हिस्सा बाहर निकला था, आए उड़ के और तुरंत जो वो उसमें चोंच मारे भाग जाए। वो व्यक्ति जीवित रहा। तो जो लिवर था उसने क्या किया, उसकी जो कोशिकाएं हैं लिवर की, हिपेटोसाइट्स जो हैं, वो जितना दिन भर में कौवे खा जाते थे उतना वो पूरा कर लेता था रात में। आज भी देखो बिहेवियर ऑफ द सेल पर थोड़ी सी बात करेंगे जरूर, ठीक है, जब साइटोटॉक्सिनोमिक जो बात आई है, सेल साइकिल पढ़ेंगे, सेल साइकिल पढ़ेंगे और बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल जो चैप्टर पर हम बात करेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लिवर है हमारा उसमें सबसे ज़्यादा रिजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। रिजनरेशन मतलब ये कि यदि उसको टुकड़ा कर दिया जाए, उसको काट भी दिया जाए तो अपना पूरा कर लेता है, इसको बोलते हैं रिजनरेशन कैपेसिटी, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की क्षमता सबसे ज़्यादा उसमें होती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम खा रहे होते हैं, मेरी बात सुनो, जो भी चीज़ हम खा रहे होते हैं हमारे मुंह से लेकर और एनस तक कई प्रकार की सेल हमारी एलिमेंट्री कैनाल में हैं, हमारी जो आहार नाल है उसमें कई प्रकार की सेल हैं और सब सेलों का फंक्शन अलग अलग है। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें हमारे भोजन को डाइजेस्ट करके पचाने तक की प्रक्रियाओं का काम वो करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा खाना गया, खाना पचने के बाद हमारे ब्लड कैपिलरी में पहुँच जाता है, जो ब्लड की नलियाँ जो हमारी आहार नाल के चारों तरफ लिपटी हुई हैं उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद सबसे पहले वो लिवर के पास जाता है, किसके पास जाता है, लिवर के पास जाता है। और लिवर का काम क्या है, लिवर का काम है उसको सबको पहचान पहचान के उसको डिटॉक्सिफाई करना, जो भी हानिकारक चीज़ जैसे ग्लूकोज है वो तो हानिकारक है नहीं इतना, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी केमिकल हम लोग खा रहे होते हैं, मतलब आजकल जैसा फैशन का ज़माना है, इतना पेस्टिसाइड जा रहा है या कोई आदमी शराब पी रहा है
या कोई सिगरेट पी रहा है, तो जो भी चीज़ उसमें जा रहा है हमारे हमारे ब्लड में, उसको डिटॉक्सिफिकेशन काम कौन करता है? लिवर करता है। तो लिवर क्या करता है, कई बार डिटॉक्सिफाई करते 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 खुद बैठ जाता है, कहते हैं ना लिवर बैठ गया, लिवर ठप हो गया, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर नेक्रोसिस, ये ऐसी रोग हैं जो लिवर को हो जाती हैं, समझ रहे ना। तो लिवर की जो कोशिका उनकी बिहेवियर, उनका स्ट्रक्चर, उनकी बिहेवियर अलग अलग है, अलग है। अब किडनी है, किडनी की जो इकाई है वो क्या, नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन में जो नेफ्रोसाइट हैं, जो नेफ्रॉन को बनाने वाली जो सेल हैं, उनकी फंक्शनिंग अलग है, समझ रहे मेरी बात। हमारा पैनक्रियाज है, उसमें अल्फा बीटा जो जो आइसोलेट्स हैं उनका फंक्शनिंग अलग है। हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल पेट है, पेट की जो कोशिकाएं हैं उनका काम अलग है, छोटी आंत की कोशिकाएं उनका काम अलग है, उनकी स्ट्रक्चर भी अलग, उनका बिहेवियर भी अलग है। बड़ी आंत में काम एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा होता है, उनका साइज ज़्यादा होता है, उसमें जो है विलाई निकले हुए होते हैं। विलाई का मतलब क्या होता है, जैसे कोशिका है तो कोशिका का सरफेस बढ़ाने के लिए इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकले रहेंगे ऐसे करके, समझ रहे ना। तो इसका साइज यहाँ से ऐसे ऐसे करके बढ़ गया ना, तो यदि यहाँ से खाना जाएगा तो ज़्यादा स्पेस मिलेगा उसको, तो पढ़ लेगा, सॉरी वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। चलिए, तो एक तो था ये साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। दूसरा है साइटोटैक्सोनॉमी मतलब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ, बिहेवियर ऑफ सेल हो सकता है, समझ में आया। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ सेल और बिहेवियर ऑफ द सेल, यदि ऐसे लक्षणों के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। एक दूसरा आता है कीमोटैक्सोनॉमी, क्या आता है, कीमोटैक्सोनॉमी। तो कीमोटैक्सोनॉमी का क्या मतलब है, कीमो का मतलब होता है केमिकल, क्या होता है केमिकल। रासायनिक लेवल पर हम जाकर किसी भी पौधे का या किसी जंतु का या किसी कोशिका का हम उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखें, ठीक है, वो क्या पैदा कर रहा है, किस चीज़ से मिलकर बना है केमिकल बेसिस पर, तो उसको बोलते हैं हम कीमोटैक्सोनॉमी। अब सुनो मेरी बात, कीमोटैक्सोनॉमी क्या हो सकता है कि ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखना पड़ता है हमें, इसमें क्या देखना पड़ता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि इसका रासायनिक संगठन क्या है, किस किस चीज से मिलकर बना है, कौन कौन से पदार्थ इसमें प्रेजेंट है। और इतना ही नहीं, मेरी बात सुनो, देखो फल देखे आपने, कुछ फल होते हैं लाल कलर के, कुछ बैंगनी टाइप के होते हैं, कुछ पीले होते हैं ना। जैसे टमाटर देखा आपने, तो टमाटर जब बहुत छोटा रहता है तो सफ़ेद जैसा रहता है, ल्यूकोप्लास्ट होती है उसमें, उसके बाद फिर वो हरा हो जाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे पीला होते हुए लाल हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और जब लाल हो जाता है, लाल किस पिगमेंट के कारण होता है, उसको बोलते हैं लाइकोपीन, ठीक है। गाजर का जो रंग होता है लाल, वो किस किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीनॉइड होते हैं। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि इसमें कैरोटीन पाए जाते हैं, कुछ फल कड़वे होते हैं तो उनको बोलते हैं टेनिन्स, क्या बोलते हैं, टेनिन्स बोलते हैं। तो फलों की जो कड़वाहट है वो कैसी होती है, टेनिन्स जैसी होती है। हल्दी का पीलापन होता है, हल्दी का जो पीलापन होता है, एक सब्सटेंस पाया जाता है इसमें, क्या नाम है उसका, करक्यूमिन, ठीक है ना, करक्यूमिन। तो करक्यूमिन सब्सटेंस पाया जाता है हल्दी। अदरक होता है, अदरक में जिंजीवेरिन पदार्थ पाया जाता है, इसलिए इसको हम जिंजीवेरेसी फैमिली में इसको हम कंसिडर करते हैं, जिंजीवेरी ऑफिसिनल है। नीम है, एजाट्रेक्टा इंडिका, एजाट्रेक्टिन सब्सटेंस पाया जाता है। नीम ये है, इसको क्या बोलते हैं, लहसुन, एलिसिन इसमें पाया जाता है। थायोप्रोपिनल एसोक्साइड पाया जाता है प्याज में, तो जब वो कटती है तो वो होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो उड़ता है, ठीक है, वेपर होता है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से, और वो हमारी आंखों में लगता है, इसमें हमको जलन फील करता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, समझ रहे मेरी बात। तो ये सारा क्या है, ये सारा इसी बेसिस पर हम जो इसको कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं, कि केमिकल बेसिस पर हम पदार्थों के
पादपों की, प्लांट्स की, हम क्या करें उनको क्लासिफाई करें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम सम इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देखेंगे जो हमारी टैक्सोनॉमी को समझने में हमारी बहुत हेल्प करेंगे। जो चीज समझ में आए वो आप लिख भेजें, हम उसको रिप्लाई कर देते हैं। जो चीज समझ में आए आप उसे पूछ लें, जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं पूछ लें, जो ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट कर दें, हम तुरंत उसका रिप्लाई देंगे, कोशिश करेंगे तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाए। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि टैक्सोनॉमी का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब महत्व क्या है, जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं टैक्सोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। हमारा सबसे पहला मतलब है कि हम अननोन जीवों को क्या करें, पहचान करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम उनको आइडेंटिफाई करें जो अज्ञात जीव हैं, ठीक। मैक्सिमम डाइवर्सिटी फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एक चीज और सुनिए मेरी बात, जब तक हमको पता नहीं था, जब हम क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे, जब हमने डाइवर्सिटी के बारे में हमको जानकारी नहीं थी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम डाइवर्सिटी बात करने लगे, एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो पाई जाती है वो पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये इकोलॉजी वाले चैप्टर में भी आएगा थोड़ा सा, जो 12th क्लास का इकोलॉजी वाले चैप्टर है उसमें भी आएगा, लास्ट यूनिट है उसमें भी आएगा। इसका क्या मतलब है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है जीवों की। ऐसा क्यों है इसको थोड़ा सा करेंगे। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है हमारा नॉर्थ पोल, क्या है नॉर्थ पोल, और ये कौन सा है साउथ पोल। मान लो सूर्य यहां है, सूर्य इसके बीच, ये क्या है इसका बिल्कुल बीचों-बीच है, इसको क्या बोलते हैं हम, भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको, इक्वेटर है ना, ये क्या है इक्वेटर है, इक्वेटर उसको बोलते हैं जो हमारी पृथ्वी, वो काल्पनिक रेखा इक्वेटर जो हमें पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में, दो इक्वल पार्ट में काट सके, ठीक है। तो जो सूर्य है, सूर्य की रोशनी इस पर सीधी पड़ती है, कैसी पड़ती है सीधी, और यहां कैसी पड़ती है तिरछी पड़ती है, ऐसे पड़ती तिरछी। तो जब जहां रोशनी सीधी पड़ेगी वहां क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी तो यहां जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, उष्ण है, हिंदी पता नहीं, उष्ण ही तो बोलते हैं ट्रॉपिकल। और रेन फॉरेस्ट मतलब यहां जो पाए जाने वाले जो वन है, देखो यहां से हम यदि 50 किलोमीटर इधर इतना बढ़ेंगे, 50 किलोमीटर नीचे बढ़ेंगे, तो दोनों का कैसा एटमोस्फेयर कैसा रहेगा, समान रहेगा। और ये जो इक्वेटर के आसपास का जो इलाका है, इक्वेटर के आसपास का जो इलाका है, यहां सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाएगी, सबसे ज्यादा यहां वैरायटी पाई जाएंगी जीवों की, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो। जब तक हमने क्लासिफिकेशन करना शुरू नहीं किया था तब तक की तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे हमने टैक्सोनॉमी में जैसे हम घुसे, जैसे हमने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया, तो हमने ये पाया कि सबसे ज्यादा जो वैरायटी पाई जाती है, सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, वो पाई जाती है कहाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। उसके बाद मान लो 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर इधर बढ़े, 100 किलोमीटर इधर बढ़े, बराबर एटमोस्फेयर एक जैसा एनवायरनमेंट है, थोड़ा नीचे बढ़ते चले, अच्छा पोल की तरफ जाते जाते क्या आ जाएगा, यहाँ इतने हिस्से में क्या आ जाएगा, बर्फ मिलेगी, हम यहाँ बर्फ मिलेगी और यहाँ भी बर्फ मिलेगी ना। तो यहाँ की भी वेजिटेशन, यहाँ की वेजिटेशन का मतलब है, मेरी बात सुनो, वेजिटेशन का मतलब है वनस्पति, ठीक है। फ्लोरा का मतलब है पौधे, एक किसी निश्चित जगह पाए जाने वाले पौधों को क्या बोलते हैं,
फ्लोरा बोलते हैं, और उसमें पाए जाने वाले एक निश्चित जगह में पाए जाने वाले जितने भी जानवर हैं उनको क्या बोलते हैं, जंतुओं को फौना बोलते हैं, ठीक है। तो वेजिटेशन ही फ्लोरा का दूसरा नाम है, वेजिटेशन मतलब वनस्पति। तो ये जो वनस्पति यहाँ पाई जाएगी वो भी यहाँ पाई जाएगी, जो यहाँ पाएगी जितना ऊपर बढ़ेंगे उतना नीचे बढ़ेंगे, बराबर बराबर एक जैसी पाई जाएंगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो हमारा ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जो हमारी पृथ्वी की स्ट्रक्चर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है जीवों के विकास के लिए, जीवों के इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। और उसमें कुछ फिजिकल फैक्टर जैसे लाइट है, लाइट का बहुत बड़ा रोल है, वाटर वाटर का बहुत बड़ा रोल है, समझ रहे हैं आप, टेम्परेचर है उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये जीव पाए जाएंगे इनमें सबसे ज्यादा वेराइटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद कहाँ पाई जाएगी डेंसिटी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी, कोरल रीफ। कोरल रीफ समझते हैं आप लोग, कैल्शियम कार्बोनेट की वो चट्टान जो समुद्र में पाई जाती है। इसके बाद कहाँ पाई जाएगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर नंबर एक, दूसरा कोरल रीफ। कोरल रीफ का क्या मतलब है, कोरल रीफ कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की वो रॉक्स चट्टान जो कहां पाई जाती हैं, ओशियंस में पाई जाती, महासागरों में पाई जाती हैं, फिर वहां डाइवर्सिटी पाई जाएगी। एक वर्ड है सी केल्प, क्या है सी केल्प, सी केल्प का मतलब है समुद्र में पाए जाने वाली वो वनस्पति, वो घास जो समुद्री जहाज होते हैं उनको भी रोक लेती है। जितने बड़े बड़े हमारे यूकेलिप्टस के पौधे होते हैं, इतने बड़े बड़े शैवाल होते हैं, लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े बहुत विशाल का है उसमें, तो ये सब कोरल रीफ में पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। तो कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टान जो हमारे समुद्र में पाई जाती है। फिर उसके बाद रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी, यहाँ पाई जाएगी, ठीक है। चलिए सी केल्प समझ आया, सी केल्प का मतलब है कि एक तरह से समुद्र में पाई जाने वाली वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाली वनस्पति, घास जैसी है ना, बहुत शैवालों की बहुत बड़ी मात्रा। और अब तक हम कितने जीवों की खोज कर चुके हैं, कितने जानवरों की खोज कर चुके हैं बताओ, 1.7 से 1.8 मिलियन, और 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख। तो यानी कि 17 से 18 लाख हम अब तक जीवों की प्रजातियों की खोज कर चुके हैं। चलिए तो ये जो 17 इसमें से लगभग मानो कि 12 मिलियन 12 जो वो है 12 लाख के करीब एनिमल और करीब 6 लाख के करीब प्लांट्स, इतनी खोज हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए और ये जो आपस में जो प्लांट और एनिमल हैं, सुनिए मेरी बात, इन सब का आपस में सम्मिश्रण यानी कि प्लांट भी पाई जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, इस दुनिया में केवल सूर्य की लाइट को, मेरी बात सुनो, इस दुनिया में सूर्य की लाइट को जो लाइट एनर्जी आ रही है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने की जो क्षमता है वो किसके पास है, केवल प्लांट्स के पास है। तो यदि जंतु ना हो तो सारे पौधे जीवित रहेंगे, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि पौधे नहीं बचे तो कोई भी जीव नहीं बचेगा। एक साइंस में कहावत है, प्रे के पीछे प्रेडेटर है, यानी कि शिकार के पीछे शिकारी है। तो यदि पौधे नहीं होंगे तो एनिमल जीवित नहीं बच पाएंगे, या कोई ऐसी विधि हमारे पास हो कि हम डायरेक्टली सूर्य धूप में खड़े हो जाएं और हमारे पास क्या हो जाए, फोटोसिंथेसिस हम लोग करने लगे, तभी तो बच पाएंगे। और हम फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल है, वो योग्यता ही नहीं है जिससे हम फोटोसिंथेसिस कर सकें। जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो क्या होगा, फिर हम जो है भूखा मरना तय है हमारा। तो इसलिए जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के ऊपर पूरी 12 लाख जो प्रजातियां हैं जंतुओं की, वो सारी निर्भर हैं, चाहे वो डायरेक्ट और चाहे वो इनडायरेक्ट, ध्यान रखना। चीता है, अब आप ये कहोगे सर चीता तो जो है घास तो नहीं खाता, चीता फल तो नहीं खाता। हाँ हमें पता फल नहीं खाता,
लेकिन ये बताओ कि चीता किसको खाता है? हिरन को खाता है, नील गाय को खाता है, बकरी को खा जाएगा। बकरी क्या खाती है? घास खाती है, पत्तियां खाती है, और पत्तियां जो हैं पत्तियों ने भोजन बनाया था। यह मान लो सांप को खा गया, मोर खा गया या बाज खा गया, तो मोर ने किसको खाया था? दानों को खाया। तो दाने किसने बनाए थे? प्लांट्स ने बनाए थे ना, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं केवल प्लांट्स, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट्स के ही ऊपर ये पूरा जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है वो चल रहा है। तो प्लांट क्या है हमारे? ऑटोट्रॉप्स हैं एकमात्र, और बाकी जितने भी जंतु सारे क्या हैं? हीटरोट्रॉप्स हैं, चाहे वो डायरेक्टली और चाहे वो इनडायरेक्टली सभी पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। चलिए अब तक मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी आउटलाइन समझ में आई होगी, हैं? अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। किसकी बात करेंगे? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? हमने पहचान भी कर ली थी, है ना। अब फिर से हम देखेंगे कि नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर हम करते कैसे हैं, ठीक है। लग रहा है क्लास लंबी हो जा रही है क्या? ठीक है, तो जो नोमेनक्लेचर है उस नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले हम देखेंगे कि नोमेनक्लेचर, हमने कुछ जीव देख लिया, जीव हमने एक जीव देखने के बाद हमने दूसरे जीवों के साथ क्या कर लिया? उसकी सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी हमने निर्धारित कर ली। जब हमने सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी निर्धारित कर ली तो अब हमको हमारे समझ में ये आया कि हम इसको किस ग्रुप में रखेंगे। तो फिर जब तक उसका नाम नहीं हम रखेंगे तब तक हम उसको कैसे रख पाएंगे ग्रुप में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जो नाम रखने की जो प्रक्रिया, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर नाम ऐसे नहीं रख दिया जाता, ऐसे नाम रखेंगे तो फिर जो इंटरनेशनल जो इशू हैं, इंटरनेशनल जो बाउंड्री हैं, लिमिटेशन हैं, कि जैसे हम आलू को आलू बोलते हैं, बैंगन को बैंगन बोलते हैं या भाटा बोलते हैं, कहीं बैंगन को कुछ बोलते होंगे, ब्रिंजल बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते होंगे, बोलते हैं ना। जैसे मैंने बताया था आलू को कहीं बटाटा बोलते हैं, कहीं पोटैटो बोलते हैं, कहीं कहीं पटोटे बोलते हैं, हम आलू बोलते हैं ना। तो वो सारे जो नियम हैं उस हिसाब से बांध लें हम कि कोई व्यक्ति यदि उनको पढ़े तो वो समझ सके। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल यूनियन होती है, इंटरनेशनल एक सोसाइटी होती है, कमेटी होती है, उसके जो नियम होते हैं उसके हिसाब से हम इसका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, इस नोमेनक्लेचर को समझाएंगे कल। मैं थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन कर लूँ थोड़ा, कि जो कैरोलियस लीनियस थे उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ सोचते थे, बहुत लोग थे क्या किया जाए, फिर उनके दिमाग में चीज़ आई, उन्होंने अपना उनका नाम था कार्ल वान लीनियस, उनका नाम तीन नामों से मिलकर बना था, उन्होंने अपना नाम भी कैरोलियस लीनियस कर लिया, और उन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी, ठीक है। कौन सी पद्धति दी थी? द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति जब कैरोलियस लीनियस ने दी थी तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा नाम रख दिया जाए किसी जीव का जिसमें जिस जीव का नाम क्या हो, दो नामों से मिलकर बना हो, एक उसका वंश रहे और एक उसकी प्रजाति रहे। तो यदि वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा व्यक्ति उसको पहचान सके, दुनिया भर के साइंटिस्ट उसको पहचान सके, दुनिया भर के लोग उसको समझ सकेंगे उसके साइंटिफिक नेम से। ऐसे प्लांट्स के साथ था, जंतुओं के साथ भी था, उसको जूलॉजिकल नेम बोला, ऐसे प्लांट के साथ था उसको बॉटनिकल नेम बोला, ठीक है। तो प्रत्येक जीव के इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से दो नाम होंगे, पहला नाम क्या रहेगा? जीनस रहेगा, और दूसरा नाम क्या रहेगा? स्पीसीज रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे हम नोमेनक्लेचर से शुरू करेंगे, इसके जो नियम है उनको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।